महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान शहर के अस्पताल रोड, अड्डा नंबर 3 के समीप सिटी डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार के पिता के द्वारा फीता काट कर किया गया। आपको बता दें कि दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार 20 वर्षों से सिवान वासियों के बीच दांत की समस्या से पीड़ित मरीजों के बीच सेवा दे रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैसे तो मैं पिछले 20 सालों से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सिवान जिले में, और ये मेरा अपना मकान है। यहाँ सेटअप जिस तरह से हम चाहते थे, जैसे मेजर सर्जरी वगैरह करना चेहरे का, और दांत का काम तो होता ही है, सीधा जीभ वगैरह करके यहाँ स्टार्ट कर रहे। और क्या कुछ खास मशीन यहाँ पे लाई गई जो बातें? यहाँ इम्प्लांट, कार्डियक मॉनिटर वगैरह, ट्रस्ट। क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस रहा, लंबा एक्सपीरियंस रहा, उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा? अब मिल ही रहा है, मिलता ही है। पिछले 20 सालों से तो मैं सिवान को सर्व कर ही रहा। आप इस नए जगह में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? जैसे कि आपकी जगह जैसे होता है कि सारे मशीन वगैरह, सारी सुविधाएं यहाँ पे, सारी सुविधाएं, एक्सरे है, आर्मी है, इम्प्लांट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सब चीजें हैं। जहाँ से मन करता है मरीज ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, बाहर से भी ले सकता है। और मालूम अक्सर देखा जाता है कि जो तब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते जब तक बात उनकी पूरी तरह से खराब ना हो, वैसे में किस तरह से सावधानियाँ रखनी है लोगों को, और क्या लगता है डॉक्टर का सलाह कब तक है? तो दांत के प्रति इग्नोरेंस है। आप हर 6 महीने, साल भर, 2 साल पे एक बार अपॉइंटमेंट उसकी रिपीट करते रहिए। तमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान, तो ईमान TV चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। उस तरह का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, एक्सपेंसिव हो, दांत उखाड़ने के लिए होता है, RCT के लिए होता है, उस तरह का। अच्छा, हमारे यहाँ की एक पिछले 2012 से हमारे यहाँ सिंगल सीटिंग RCT होता है, और भी यहाँ से लोग नए नए स्टार्ट किए हैं सिंगल सीटिंग RCT। 2012 से हमारे यहाँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग समय स्टार्ट है, इसमें पिछले एक बार आना पड़ता है। बाकी जगहों पर क्या है कि जिनके यहाँ सुविधा नहीं है, तो वहाँ एक दांत RCT कराएंगे, 3-4 बार जाना पड़ता है, तो मरीज को परेशानी होती है। सबसे ज्यादा लोग जो है अभी माउथ कैंसर के पीड़ित, तो वैसे में क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या रखता है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कराना है? हम लोग का जो रीजन है ये बिहार, खास करके इधर पूर्वांचल और दरभंगा साइड में, इधर के लोग मुद्दा बहुत खाते हैं। मेजर कॉज है एक फाइब्रोसिस का, जो मुँह नहीं खुलता है, देखता है गुटका खाने के बाद लंबे समय तक खाने नहीं खुल रहा है, बाल में स्टिफनेस हो जाना, अल्सर पड़ना बार बार, तो बाद में वही कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है अगर मरीज गुटका खाना डिसकंटिन्यू नहीं करता है। सर, आप पुराने जगह पर, पुराने जगह पर थे जो सुविधा देते थे, मरीज आते थे, अब नए जगह पर है, क्या कुछ नए तरीके से फीस वगैरह में भी? नहीं, फीस क्या बढ़ाना है, क्या पब्लिक की सेवा करनी है, जो पहले था वही आदमी है। हमारे यहाँ पेशेंट में क्रिएट थोड़े बढ़ता है, एक बार हमारा मरीज कहता है कि सर पैसा नहीं, काम करूँ, मेरी टेंस फ्री में काम करते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, कई बार दवाई भी खरीदना पड़ता है, आने जाने का भाड़ा देना पड़ता है, क्या खुश रहे।
सर अगर किसी के माउथ में गुर्दा वगैरह से कोई छाले टाइप का होता तो वैसे सिचुएशन में वो मरीज क्या करे? वो तो अपने डेंटिस्ट से मिले तुरंत पहले। छाला किस तरह का है, कितने दिनों से है, अगर एक हफ्ते से ज्यादा दिन पर छाला रहता है तो फिर उस पर सोचा जाता है बायोप्सी करा के देखा जाए कहीं कैंसर का रूप तो नहीं हो रहा है, कहीं इस तरह कोई संभावना तो नहीं बन रहा है, और ऐसा होता है तो या तो दवाई से नहीं तो मोस्टली सर्जिकल काम ही उसका होता है। अगर ऐसे में डॉक्टर की सलाह ले लेगा तो मुझे लगता है कि कैंसर से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है कैंसर से। सिवान के लोग अपील करेंगे, सिवान के लोग यही अपील करेंगे कि आप एक अच्छी जगह पे काम कराएं अपना, और जो भी काम कराएं किसी भी डॉक्टर से किसी फैकल्टी का हो बीमारी के साथ काम कराएं और डॉक्टर के साथ थोड़ा नम्र व्यवहार करें। धन्यवाद। विगत 20 सालों से यहाँ सिवान में पदस्थापित है। हम लोग जब छोटे थे तो एक नाम होता था डेंटिस्ट में राधा शरण बाबू, उसके बाद कोई आया सिवान में तो डॉक्टर विजय कुमार आए, उसी समय दांत का सर्जरी चालू हुआ, आरसीटी चालू हुआ, उसके पहले हम लोग नहीं जानते थे आरसीटी भी होता है सर्जरी भी होता है। अब 20 साल फील्ड में टिकना, अगर व्यवस्था अच्छा नहीं रहता तो संभव नहीं है किसी को 20 साल एक जगह पे टिके रहना। लोग आते हैं जाते हैं, आज का जो बिहार का हाल है सिवान का, बहुत डॉक्टर आते हैं और फिर पुनः उसी गाड़ी से वापस चले जाते हैं। तो जिस तरह से देखा जाता है कि डॉक्टर एक मोटी कमाई करते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं रहा। ऐसा ऐसे लंबे समय से सेवा करते रहे और उसका फायदा इनको करता होता है जी। अगर 20 साल अगर पहले कमाई किए होते या मोटी कमाई करना होता तो ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनाने में 20 साल तो नहीं लगता। जैसा कि देखा जाता है आज के बाजार में डॉक्टर आते हैं तुरंत पहले जमीन खरीदते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद ही इलाज पे फोकस करते हैं। इलाज तो बाद का काम होता है उनका, पहले पैसा कमाना उनका मेन उद्देश्य होता है, तो सही पैसा कमाना है। डॉक्टर का बिजनेस हो गया है बिल्कुल है। पहले डॉक्टर को लोग भगवान बोलते थे, अब डीफो डॉक्टर और डीफो डाकू दोनों साथ में बोलते हैं। कुछ लोगों के वजह से हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इसमें अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से आज वो इलाज भी करा रहे हैं और जिंदा भी है। ठीक है, थैंक यू। मैं राकेश कुमार सिंह सिवान के, तो बहुत जरूरत रहा जरूरत पूरा तैयार है और ज्यादातर लोग मरीज होकर डॉक्टर साहब चला गया है चाहिए ये कहाँ से गया वो सफी करें क्या करें ये कहिए कि आने के लिए सुविधा स्वस्थ रखा मिल रहा है सर। डॉक्टर 20 सालों का एक्सपीरियंस है डॉक्टर विजय कुमार, यहाँ पे 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, दांतों की सेवा कर रहे हैं। हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि एक बार जरूर क्लिनिक आके विजिट करिए और कुछ आगे बड़ा बीमारी ना हो इससे पहले ही आप आके दांतों का चेकअप रूटीन चेकअप हमेशा करवाते रहना चाहिए। जी एक्सपीरियंस का तो फायदा होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत लोगों की सेवा भी की है तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। सर अगर जिस तरह से उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवा दिया है तो गरीब लोगों के लिए भी ऐसा रहेगा? जी गरीब लोगों के लिए भी रहेगा, जिन लोग के पास व्यवस्था नहीं रहता है पैसे का, डॉक्टर साहब उन लोग का फ्री में सेवा करते हैं, प्लस उन लोग को आने जाने का दवाई का भी पैसा डॉक्टर साहब देते हैं।